इंडिया देखें हम हमारे साथ आज़ाद हुआ है 47 में जी। वो देखें कहाँ पहुँच गया, चाइना कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान तो किधर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हमारी इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पासपोर्ट की वैल्यू किधर है, 160 पता नहीं ऊपर चले गई हो, ठीक है। उनका लेवल देखें, उनका पासपोर्ट रैंकिंग देखें किधर है, हमारी किधर है, रिलेशन देखें कितने कंट्री, वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। सुनो ना, हमने जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमने पाकिस्तान को जब ही गर्दन से पकड़ लिया था। अच्छा, ठीक है। अभी अब वो जो गर्दन से पकड़ा हुआ है वो कोई समझ से बाहर है कि वो क्या चीज़ पकड़ी हुई है उन्होंने हमारी, चाहे इंडिया वाले, चाहे रशिया वाले, या चाहे चाइना वाले, मलेशिया, मलेशिया हमसे बाद आजाद हुआ ना, तो किधर है, ठीक है। वो इसलिए जो गलत कर रहा है ना उसको सजा हो रही है। मेरे ख्याल से इंडिया वाले बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश, बांग्लादेश से देखें पहले क्या था अब क्या है उनका, ठीक है। इनको अभी तक होश नहीं आ रही, जिसने ठीक करना है वो सारे मिले हुए हैं। करे क्या समझते हैं, हम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, रशिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑयल लेने गए, उन्हें वैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया गया, जबकि दूसरे कंट्री की बात करेंगे नेबर इंडिया की, वो रशिया से भी रिलेशन बेहतर रखे हैं, ईरान से भी ऑयल ले रहे हैं, जहां उनका दिल करता है उनके फॉरेन मिनिस्टर आज रशिया गए हैं, वहां के विजिट पे हैं और बड़े अच्छे, मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया में उनके ऊपर बात की जा रही है। सर पता क्या मसला, बेसिकली जो है ना बेस हमारी जो शुरू से जब से पाकिस्तान बना ना वो लेवल अपनी जगह पर नहीं आ रहा, ठीक है। हर बंदा जो ना मैं या मुझसे नीचे या मिससे हर बंदे की एक लाइन होती है, वो लाइन से ट्रैक से उतरा हुआ है, ठीक है। पर हम कोशिश कर रहे हैं एज ए अवाम, आम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो गवर्नमेंट है, ऐसे जो आवाम जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आ रही है ना वो इस तरह ही है जो अपने मफाद के चक्कर में आते हैं, ठीक है। बेसिकली अब इस वक्त आवाम की जो हालात है आपको पता ही है, जो आवाम से हो रही है। अच्छा, ये जो इन्होंने, मैं डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, बहुत से लोगों से सवाल करता हूँ जी पाकिस्तान के जिम्मेदार क्या है, जो इस टाइम कंडीशन है, आवाम जिम्मेदार है गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने जो बात किया कि 1947 जब से पाकिस्तान बना तब से शायद हम ट्रैक पे नहीं चढ़े, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो, यानी हम जड़ से ही थोड़ा बहुत काम, तो ये क्या वजह है, वो लोग ट्रैक पे चढ़ के आज उनके रिलेशन भी बेहतर हैं, हम लोग ट्रैक पे क्यों नहीं चढ़ पाए, किस किसकी वजह से नहीं चढ़ पाए। ये तो देखे चाहे कारोबार कोई भी कर रहा है ना, ट्रैक पे आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। समझ किसने बतानी है, गवर्नमेंट को जो ऊपर लेवल है ना उसने डिलीवर करना है आवाम को, आवाम का रास्ता बताना ये गलत है या सही है। जब ऊपर ही गलत हो रहा है ना तो नीचे क्या सही करेंगे आप, ठीक है। जिसने मतलब चोर है ना, एक चोरी कर रहा है उसे पकड़ना किसने, उससे ऊपर जो सब इसकी जिम्मे जो पावरफुल अदारा है वो खुद इस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो खुद चोरी में इन्वॉल्व, तो वो किससे करेंगे। अब देखे जो इमरान खान का मामला बना हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली देखे उसके अदालतें जो कर रही हैं लीगल तरीके से करें, अगर उसका कसूर है तो उसे सजा दे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा क्या हक है, 5 साल बाद वोट का हक है ना कहीं, वो कौन दे रहा है हमें, अगर वोट दे भी रहे हैं तो आप जिसको वोट देते हैं या जिस पार्टी को चाहते हैं क्या वो अपना वो हुकूमत में आ पाता है। ना जारी बात जो वो कहते हैं ना खलाई मखलूक, वो उनका सारा डायरेक्ट उनका ही हाथ होता है, जिसने उसने कहना है तो फिर ही होना मामला। बताएं बड़ा, आपने जो बात की मेरा माइंड अभी तक उधर है, आपने बोला 1947 से ही हम लोग ट्रैक पे नहीं चढ़े, मैं कह रहा हूँ वो इंडिया वाले कैसे ट्रैक पे चढ़ गए, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर है, मुझे ये सवाल की समझ नहीं आती। वो तो ये है ना कि अगर वो अपने ट्रैक पे चले, चाहे इंडिया वाले, चाहे रशिया वाले, या चाहे चाइना वाले, मलेशिया, मलेशिया हमसे बाद आजाद हुआ ना, तो किधर है, ठीक है। वो ट्रैक इसलिए जो गलत कर रहा है ना उसको सजा हो रही है, ठीक है। फिर एजुकेशन, हाँ जी एजुकेशन तो जाएगा, वो शुरू से लेके ही हमारे ट्रैक ही गलत की है ना, हमारे जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, वो है। जब हम लोग बहुत से ऐसे इश्यूज में फंसे हुए थे, हम लोग अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करने या डॉलर लेने के चक्कर में थे, तब इंडिया वाले शायद यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, वो कॉलेजेस बना रहे थे, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर रहे। मेरे ख्याल से इंडिया वाले बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश, बांग्लादेश से देखें पहले क्या था अब क्या है उनका, ठीक है। इनको अभी तक होश नहीं आ रही, ऐसे ही चलता रहा सारा, अगर ऐसे ही चलता रहा आपको लगता है कि ये देखें कैमरामैन अगर दिखाएं, ये सारी पब्लिक है, बोलना नहीं कोई चाहती आप, मैं तो इस बात से खुश होता हूँ कि आज के दौर में कोई बात ही करता है इस तरह के इश्यूज के ऊपर कि हाँ यार ये हमारे इशू हैं। इधर किसी से पूछ ले वो कहते हैं यार हमें बात करने का फ़ायदा क्या, हमारी कोई सुनी तो जाएगी नहीं, या हमारी बात को कोई मानने का तो है नहीं। वो भी इस तरह से वो भी सही कह रहे हैं, पर ये है कि उनकी ना कुछ मेरे ख्याल से अपनी राय तो देनी चाहिए,
अपना आप तो अब कहीं भी गलत हो रहा है, एक बोले सही नहीं होना तो वो तो एक बात की बात है ना। तो यही बात है, अगर जिसने ठीक करना है वो सारे मिले हुए हैं, चाहे महकमा पुलिस का है, चाहे फौज का है या कोई है, जिसका मामला है जो ना। सब चीज़ें जब इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं, हमारा क्या इमेज जाता है? इमेज आपका इधर तक पहुंच गया, आपका पासपोर्ट जो ना ग्रीन है, कहीं भी लेके जाए ना तो आपको ऐसे कहते हैं जैसे कोई दहशतगर्द नहीं आ गया या कोई अल्लाह माफ करके क्या हो गया, वो एक से दूसरी लाइन पे लगा देते हैं। हमारी इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पासपोर्ट की वैल्यू किधर है? 160 पता नहीं ऊपर चले गई हो, ठीक है। मुझे ये बताएं क्या वजह, लोग बात नहीं करना चाहते, बात फायदा नहीं बात। वो ही कह रहे हैं ना, माँ को बोल रहा हूँ कि ये वो ट्रैक ही गलत हो रहा है ना। हर बंदा जो आपके ना कि क्या फायदा बात, फॉरेन का किसी दूसरे कंट्री का विजिट हुआ है आपका? मैं इटली रहा हूँ, फ्रांस रहा हूँ। इटली और फ्रांस रहे हैं, अच्छा। अब यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, मैं लास्ट में इनसे ये पूछूंगा, इटली रहे फ्रांस रहे वहाँ पे इंडियन भी होंगे, वहाँ पे उनकी क्या रिस्पेक्ट है और हमारी क्या रिस्पेक्ट है, सच बता। पहले नंबर पे उधर कोई भी अभी कागज डॉक्यूमेंट नाम बने ना, पहले आप इंटर करवा लें, सबसे जो पहले होता ना जो 100% सेहत कार्ड जो इधर पहले इमरान खान ने दिया हेल्थ कार्ड, वो जैसे उनका जो मकामी है शहरी जो उनके रूल ना उस हिसाब से ही उनको दिया जाता है, ठीक है। हम भी वहाँ पे जाते हैं, इंडियन भी जाते हैं, उन्हें क्या किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें कितना रिस्पेक्ट दी जाती है, हमें कितनी जॉब दी जाती है या वैल्यू दी जाती है? पासपोर्ट पासपोर्ट की वैल्यू हमारी ज़्यादा या उनकी? वैल्यू तभी बनती है आप अगर उधर आपको डॉक्यूमेंट चेंज हो, ठीक है। वरना तो आप एक दिन पहले ही उतर जाए ना तो वैल्यू ऐसी होती है जैसे पाकिस्तान रहने पर, वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको लेवल ठीक होगा, पर लेवल उसी दिन ये देखना ट्रैफिक ट्रैफिक कोई भी रूल गलत करता ना, हम लोग उधर जाकर पहले दिन ये रूल सही कर लेते हैं, कोई यार मुझे पकड़ ना ले, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में जाके हम ही वो पाकिस्तानी जो यहाँ पे ना सिग्नल पे रुकते हैं ना कहीं पे रुकते हैं वहाँ पे जाके पहले दिन ही हो जाता है, उनके रूल पे चलने लगते हैं। कब आएंगे? वैसे हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं जी हम पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस टाइम इकॉनमी की कंडीशन है, हमारे इंटरनेशनल इमेज है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू सबके सामने जी, वो कैसे आएंगे? जो जो रोकेगा ना उसको वो कहते हैं ये 100 रुपये ले लो या कुछ ले लो या दूसरे शॉर्टकट रस्से होते हैं, तो कैसे आएंगे? क्या लगता है आने वाले टाइम में कोई इमेज कोई रिलेशन कोई बेहतर हो? मुझे तो नहीं अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इमेज तब होगा जब ऊपर वाले ठीक होंगे तो नीचे तक पूछने वाला होगा। इंडिया के जो गवर्नमेंट है या उनके जो पॉलिटिशियन हैं उनकी वजह से उनका आज इमेज क्या है, वो किस लेवल पे जा पहुंचे हैं और हम कहां पे खड़े हैं? उनका लेवल देखे, उनका पासपोर्ट रैंकिंग देखे किधर है, हमारी किधर है, उनके रिलेशन देखे कितने घंटे, वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20-25 साल आगे चले गए हैं, ठीक है। हम तो उससे पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ने के पीछे जा रहे हैं, वो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम अपने आज वही काफ़ी हद तक जज्बाती स्टेटमेंट और इन चीज़ों के ऊपर गुम हैं, खुपे हुए हैं। एजुकेशन के ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा, स्टडी के ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा। मुझे बड़ा पर्सनली बहुत दुख होता है, मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं कहीं ना कहीं इन तक आवाज़ पहुंचाई जाए, इन्हें बताया जाए कि आखिर पाकिस्तान का असल इशू क्या है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल से, आप मेरी बात से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, मेरे ख्याल से असल इशू गुर्बत नहीं है, असल इशू पेट्रोल महंगा होना नहीं है, असल इशू ये है कि हमें बताया ही नहीं जा रहा कि भाई हम इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी इमेज क्या है पूरी दुनिया में, हमें यही नहीं बताया जा रहा। तो भाई बताएंगे तो फिर आप, वो तो उनका जो प्लान है वो सारा जार हो जाएगा, वहाँ को पता लग गया तो फिर पूछेगा बंदा। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। आज का टॉपिक ये है, सबसे पहले तो सिंपल सी मुझे बात बताएं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखें जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विजिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोगों ने आज अगर किसी अच्छी जगह पे अपनी सफारतकारी की हुई होती तो आज हम दुनिया में बड़ी अच्छी जगह पे हमारा कोई ग्रोथ होती हमारी को कुछ होता हमारा, ठीक है। अच्छा अगर बात करें इंडिया की, उन जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है चल रही थी और उस पर रशिया पे सैंक्शन थी कि पूरी दुनिया में कोई भी रशिया से ऑयल नहीं ले सकता, इंडिया ने तब ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा लिया। फिर ईरान पे सैंक्शन थी, इंडिया ने तब भी ऑयल लिया, ईरान से लिया। पाकिस्तान ये 7 बॉर्डर पर ईरान लगता है क्यों नहीं ले सकता? देखें वो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें
ऑर्डर जो जा रही है ना वो ये है कि हमने चलना है यूएसए के साथ, हमने और किसी के साथ नहीं चलना है। तो चले हमने चलना है यूएसए के साथ, क्या यूएसए हमारे साथ चल रहा है? नहीं, वो उन्होंने तो कभी भी नहीं चलना, उन्होंने तो वो तो आज से तकरीबन आप 70 साल से कह नहीं हमारे साथ चल रहे हैं है। उन्होंने तो हमें जब भी वो किया है हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंके। तो ये अगर आपको बात तो समझ आ गई, मुझे अगर लेट्स सपोज समझ आ गई, हमारे पॉलिटिशियन समझ आ रही, हम क्यों नहीं इधर से पीछे? हमारे पॉलिटिशियन को समझ नहीं आनी, हमारी आवाम को समझ आ गई है। हमारे पॉलिटिशियन को तो बहुत पहले का समझ है, उनको उन्हें पता है समझ, अब हमें आवाम को आई है। अरे हमारे लोगों के साथ क्या होता रहा है हमारे साथ, हम हर वार में हर जगह पे उनका हमने साथ दिया है, ठीक है, उन्होंने हमें इस्तेमाल करके फेंका। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप एक बुक का भी जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में, जो एक बुक थी वो तकरीबन मुझे एग्जैक्ट उसका नाम का नहीं पता है, वो शाया कब हुई थी, उसका नाम है नो एग्जिट इन पाकिस्तान, ठीक है। इसमें आप पढ़ के देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान को किसी कीमत में भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। किसने लिखा है? ये अमेरिकन है। अच्छा, अमेरिकन बंदा है, गलबन शायद सेनेटर है, उसकी ये बुक है। ठीक है। तो ये किताब कभी आप पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, ठीक है। इन्होंने तकरीबन 70 साल से हम लोगों के साथ क्या किया है, क्या आप मुझे बताएं, देखने वालों को बताएं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। डेफिनेटली क्या ऐसा किया, बुक में क्या लिखा है? देखें बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो उसमें उन्होंने वाजह तौर पे एक बात लिखी, उन्होंने कहा हमने जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमने पाकिस्तान को जबी गर्दन से पकड़ लिया था। अच्छा, ठीक है। अब वो जो गर्दन से पकड़ा हुआ है वो कोई समझ से बाहर है कि वो क्या चीज़ पकड़ी हुई है उन्होंने हमारी, उससे तो जाहिर यही होता है कि यहाँ पे हमारे जो बिजनेस है, कारोबार है, सियासत है, उन सब में वो लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया, नो डाउट इन्वॉल्व हैं, लेकिन शायद जो आपने बोला ना गर्दन से पकड़ लिया था, मेरा थोड़ा सा जो मेरी एक ओपिनियन है वो ये है कि उन्होंने हमारी जो मेंटेलिटी है वो देख ली कि भाई ये कंट्री बनाई मजहब के नाम पे है। हाँ जी। तो हम इन्हें मजहब के हवाले से इमोशनली जो इनके सेंटीमेंट्स हैं उन्हें उनके साथ खेलते हैं, जिसके चाहेंगे उसके खिलाफ कर देंगे। वो देखे ना, वो हमें मजहब के हिसाब से भी खींचते हैं, पकड़ते हैं, हमें बिजनेस से भी पकड़ते हैं, हमें पॉलिटिशियन से भी पकड़ते हैं, उन्होंने हर जगह से हमें पकड़ा हुआ है। ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं, देखें मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी क्लियर करता चलूँ, अब 1947 में जो पाकिस्तान की कंडीशन थी, 1947 में जो नेबर कंट्री इंडिया की कंडीशन थी, आज जो उनकी कंडीशन है और हमारी कंडीशन है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज शायद कंपेरिजन नहीं बनता, सीखना बनता है, लेकिन सवाल ये बनता है कि 1947 में पाकिस्तान को ही क्यों गर्दन से पकड़ा गया, इंडिया को क्यों नहीं पकड़ा गया? ये देखें पता है उसमें सबसे पहले एक शायद मेरा ख्याल है आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या आपके इल्म में हिस्ट्री के बारे में नहीं है। आपने ये बोला कि आपने ये अभी बात की है कि भाई ये जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तब कह दिया था कि हमें खतरा पाकिस्तान से है, लेकिन अब आज की उनकी ये स्टेटमेंट है, जब उनसे किसी से पूछा गया, उनसे पूछा किसी ने कि भाई आप बताएं किस कंट्री से खतरा है, तो उन्होंने ईरान का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं। वो रिसेंटली ईरान का इस वजह से ले रहे हैं ना कि अभी तक ईरान उनके काबू में नहीं आ सका है। पाकिस्तान आ गया काबू, पाकिस्तान तो उनके शुरू में काबू में है, खतरा इसका मतलब खत्म, ठीक है। अब जो खतरा खत्म नहीं हुआ, खतरा अभी उनको ये पता है कि ये बड़ा कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के साथ हम ही करेंगे, हम ही इनको जो है ना इन यहूदियों को नस्ब व नज़ू इनको जड़ कर देंगे इनको। मेरे ख्याल से आज के दौर में तो हमें टेक्नोलॉजी की, इकॉनमी की बात करनी है, रिलेशन बेहतर करने की बात करनी है, हमें जो उनसे ये देखना है कि आज हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस पोजीशन पे है, और मैं इंडिया की बात नहीं करता, अफगानिस्तान की। जो इसमें पता क्या, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आम आवाम की भी गलती हैं, ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, उसके बाद आप पॉलिटिशियन को भी कह सकते हैं, अपने इदारों को भी कह सकते हैं, तो इसमें नो डाउट कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये कि अब हमारे पाकिस्तान को कुछ आगे करके दिखाना चाहिए। देखें हमारे पास $400 बिलियन के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है। उधर आप बांग्लादेश को देखें, वो 9 बिलियन का डॉलर में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको, कपड़े को अपने को, तो अब वो कहाँ पे खड़े हैं और हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कंपैरिजन वैसे ही बहुत दूर की बात, ये चीज़ें तो हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग कब आगे चलेंगे। नो डाउट, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। क्या करते हैं रिजवान?
मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं, ठीक हो गया। फिर मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें और मार्केटिंग की बात करें, कहीं ना कहीं लिंक्ड भी है एक दूसरे से। मुझे बताएं 1947 में पाकिस्तान बना, आज़ाद हुआ, इंडिया से अलहदा हुआ, जो भी आप कह लें, आज 2023 में पाकिस्तान किधर खड़ा है, इंडिया किधर खड़ा है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन है वो कैसे हैं इंडिया के ईरान के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ या चाइना के साथ, ओवरऑल तमाम कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, ट्रेड वो अपनी आज़ादी से कर पाता है, हम कर पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात है कि जब से पाकिस्तान बना है इधर ट्रेड की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, ठीक है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, बेस्ट है, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है हमसे। उसकी वजह की तरफ भी आऊँगा। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया में मौजूद हैं और उनके रिलेशन उनके साथ कैसे हैं वो आपके सामने हैं। हमारे रिलेशन यूरोप के साथ अच्छे नहीं हैं। अच्छा। हम अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं पर अमेरिका वाले वो हमारे सियासतदान को वो साथ वो अपने मुफाद के साथ अपने मतलब मतलब के साथ चल रहे हैं। ये है कि गवर्नमेंट को ही चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तानी आवाम के साथ तावन करें, उनको ये देखें, रोज़गार देखें, कारोबार देखें, सबसे पहले हमारा मैशर कैसी है। अच्छा। इधर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग यही कहते हैं जी अमेरिका अपना मतलब देखता है, चाइना अपना मतलब देखता है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग अपना मतलब क्यों नहीं देखते। आज के दौर में इंडिया अपना मतलब देख रहा है, आज वो जिनके साथ भी रिलेशन कर रहे हैं अपने पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना रिलेशन बेहतर। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आज़ाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुँच गया, चाइना कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान तो किधर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, वजह ही तो बता हमें। सबसे पहले देखिए उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, मशीन उनके बहुत अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट कहती है चाहती है कि वो हमारी आवाम जो है ना तरक्की करे, रिलीफ मिले, रोज़गार मिले, कारोबार अच्छा हो, महंगाई ख़त्म हो, बिजली सस्ती हो, इधर वो चीज़ें नहीं हैं। चीज मैं ये भी क्लियर करता चलूं, नो डाउट इंडिया में भी बहुत से इश्यूज होंगे, वहाँ पे भी गुर्बत होगी, वहाँ पे भी करप्शन होगी, वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, गुर्बत हो या महंगाई हो या फिर दूसरे कंट्रीज़ का जो उनसे दबाव हो, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, हमारे यहाँ पर वो चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें और हमारे पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है? देखिए वो उनके जो मुसबत वो सोचते हैं, वो हमारे अपना आवाम का सोचते हैं सबसे पहले वो, ठीक है। हम इधर जो गवर्नमेंट के वज़रा हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले हमारी अपने आवाम का सोचें, इधर गुर्बत बढ़ती जा रही है, कारोबार हालात ख़राब होते जा रहे हैं, अगर हमारा ये माशरे ख़राब होगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और बढ़ेगी बेरोज़गारी के साथ साथ यहाँ पे जुराइम भी बढ़ेंगे, यहाँ पे करप्शन बढ़ेगी, यहाँ पे क्राइम बढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पास मेरे पास खाने को पैसे नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूँगा जो कि नहीं करना चाहिए, वो मजबूरी बन जाती है ना। जब मेरे पास खाने के लिए है, बच्चे मेरे भूखे हैं, खाने के लिए घर में नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कोई ना कोई ऐसा काम गलत करूँ, कहाँ से मुझे पैसे आने चाहिए। और फिर जब मैं कोई गलत काम करता है तो ये कह दिया जाएगा ये तो किसी के साजिश हो गई, ये तो कुछ हो गया। देखिए ये अच्छी बात नहीं है, हम गलत बेहतरी की उम्मीद नजर आती है। देखिए उम्मीद तो हमें है, बाकी किससे उम्मीद, अल्लाह ने करना है, हमें अल्लाह ने कामयाब करना है दुनिया में, हमने कुछ नहीं करना, हम तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जो आवाम है उनकी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी की तरफ जाएं, ठीक है। वो कारोबार जो हमारा शहर है ना इस तरफ वो अच्छा नहीं है, कारोबार इस तरफ मैशत बहुत डाउन हो चुकी है, अगर हम इस तरह तवज्जो नहीं देंगे